सो गाइस, दिस इज़ थर्ड शिफ्ट एनालिसिस ऑफ IBPS PO। IBPS PO की एग्जामिनेशन ओवर हो चुकी है और एक कैंडिडेट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ही विल टेल एंटायर एक्सपीरियंस। हाउ इज द पेपर सर? पेपर अच्छा था मेरे लिए। हम क्योंकि DI से 4 क्वेश्चन आ रहे थे। DI से 4 क्वेश्चन, हाँ। अपने उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट करके सीटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन आ रहे थे। ओके। पजल से 8 क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब रीजनिंग में इस टाइप का था। ओके, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनिंग इंग्लिश में ग्रामर जो करेक्शन के लिए रहता है, ग्रामर के लिए, उससे 8 क्वेश्चन आ रहे थे। बेसिकली बेसिक आ रहे थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, मॉडरेट लेवल पे थे। अगर थोड़ा सा भी अगर कोई भी आदमी पढ़ सकता है तो आराम से लिख सकता है। ओके, तो आपके अटेम्प्ट कितने रहे इंग्लिश में? मैं अटेम्प्ट किया हूँ इंग्लिश में 20, उसके बाद मैथ में किया हूँ 25 और रीजनिंग में 30 किया हूँ। 30 किया। तो कौन सा सेक्शन आपको सबसे डिफिकल्ट लगा इस बार? मैथ का लग रहा है। मैथ तो डिफिकल्ट लगा, हाँ। उसमें क्या क्वेश्चन किस प्रकार बताएंगे आप? डेटा इंटरप्रिटेशन हार्ड लगा या नंबर सीरीज? क्या हार्ड लगा? नंबर सीरीज 8 क्वेश्चन दे दिया, हाँ। और DI का 8 को दे दिया। हाँ। ओके, लॉजिकल रीजनिंग में आपको कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट फील हुआ, आपने जो लगा कि थोड़ा हार्ड था? लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा वो सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा टफ लग रहा था मुझे। सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा टफ लगा, हाँ। सीटिंग अरेंजमेंट क्योंकि सारा सर्किल पर दे दिया था। तो सर्कुलर अरेंजमेंट को रीजनिंग में पूछा गया था, सब सर्कुलर अरेंजमेंट। ओके, तो आप कंक्लूड कीजिए, 100 में आपने कितना बनाया? 100 में टोटल में 75 बनाया। 75 आउट ऑफ 100। सो गाइज, आप देख सकते हो ये फिजिकली हैंडिकैप्ड स्टूडेंट हैं, बट ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं, अभी भी एग्जामिनेशन दे आ रहे हैं। तो आप एक फिट हो, यंग हो, तो आप किस बात की सोच रहे हो, किस बात की डर रहे हो? तो आप इस तरह की ये मोटिवेशन ले सकते हो। दिस इज़ द गाय फिजिकली एबल, बट ये एग्जामिनेशन देने आ रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं और 75% मतलब 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। इट वाज गुड, इजी टू मॉडरेट ही था। इजी टू मॉडरेट, हाँ। और अपने अटेम्प्ट कितना क्या 100 में? मेरा तो 70 हुआ है। 70, हाँ। और रीजनिंग में एक पजल में फंस गए। रीजनिंग में एक पजल में फंस गया, हाँ। वो एजेस पैटर्न बताएंगे, किस पजल यार? एक एजेस वाली थी, डायरेक्ट नहीं थी, ठीक है, तो आपको सोचना पड़ता उसमें। तो एजेस वाली एक पजल थी, फिर एक अनसर्टेन पजल थी, ईजी थी लेकिन 3 ही क्वेश्चन थे उसमें। और फिर वही और क्या था, और फिर एक डिजाइनेशन थी जैसे क्लर्क PO ये सब है, हाँ, वो थी। और 3 सिटी वाली थी एक पजल, हाँ। उसमें बोला गया था कि आपको मतलब सिटी मतलब उसमें अकोमोडेट करना था आपको, है ना, नॉट मोर देन 4 और लेस देन 2 नहीं हो सकता, वो वाली चीज़ थी। 3 सिटी थी उसमें दिया हुआ था। और कुछ मिसलेनियस टाइप की थी, तो सिलॉक्स वलॉक्स टाइप। और क्या, और मैथ्स में आपका वही रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, हाँ, रॉन्ग नंबर। फर्स्ट शिफ्ट में देखा गया तो मिसिंग सीरीज दिखी थी, हाँ। उसके बाद रॉन्ग नंबर इजी था, वैसा कुछ, हाँ, डुएबल था। फिर 2 DI थी, हाँ, 2 DI पैटर्न था, 2 DI था। तो उसमें एक था ना, हम मतलब स्पेंड कितना कर रहा है, PQRST ऐसे करके था। और उसमें कुछ आपको स्पेंड मतलब हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, हाँ। तो वो क्वेश्चंस में थोड़ा घुमा के दे रहा था, इनकम इतना है, ऐसा ऐसा करके घुमा, हाँ, थोड़ा सा, हाँ। पहले कैलकुलेट करके लिख लो तो थोड़ा ईजी पड़ जाता, नहीं तो कन्फ्यूज होते बहुत लोग। तो डेटा पहले कैलकुलेट करना ये बेस्ट रहेगा, हाँ, वो बेस्ट उसमें तो था भाई, फंसता आदमी लोग। फिर एक और क्वेश्चन था DI का, याद नहीं आ रहा यार। ओके, इंग्लिश में इजी था? इंग्लिश इजी था, डुएल, तो एरर भी आप पढ़ के समझ लेते क्या है क्या नहीं है। सो कंक्लूड कीजिए आप, डिफिकल्टी लेवल सिर्फ 15 अक्टूबर। इजी टू मॉडरेट पजल, लेकिन रीजनिंग बोलेंगे पजल फंसाने के लिए था, पजल फंसाने के लिए, हाँ। एक दो पजल मेरे को तो फंसाने वाला लगा, एक में हम फंसे खुद, तो मेरे को पता। इट वाज गुड, उतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम ही दे रहे थे हम। ओके, ये आपका पहला अटेम्प्ट है, राइट? हाँ। ओके, तो आपने 100 में कितना बनाया? 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बस, हाँ। तो कौन सा सेक्शन सबसे टफ लगा आपको? हमको टफ लगा रीजनिंग का सेक्शन, क्योंकि रीजनिंग का पेपर हम उतना प्रैक्टिस नहीं किए हुए थे, इसीलिए रीजनिंग का पेपर उतना अच्छा नहीं गया। ओके, और क्वांट में कुछ क्वेश्चन याद है आपको जो डेटा इंटरप्रिटेशन के पैटर्न कुछ? हाँ, मैथ्स में तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो क्या बोलते हैं, पहला वाला सेक्शन जो CISI से कुछ क्वेश्चन था। उसके बाद नंबर सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन थे। रॉन्ग थी या मिसिंग थी? नहीं, मिसिंग था, हाँ, मिसिंग भी था और रॉन्ग वाला भी था, बहुत सारा क्वेश्चन, हाँ। ओके, और इंग्लिश में रीडिंग कंपैरिजन कितने आते? 10 या 8 कितना आते हैं अप्रोक्सीमेटली? 10 से, हाँ। ओके, तो आप कंक्लूड कीजिए, ये पेपर डिफिकल्टी लेवल, इजी, मॉडरेट और हार्ड, कैसा रहा? मेरे लिए तो